नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ श्रद्धा बालकर मर्डर केस में ही आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पुलिस रिमांड आज है और यानी गुरुवार को खत्म हो रहा है और सो रहे उस अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस उसका रिमांड बढ़ाए जाने की अपील करेगी और दिल्ली पुलिस आफताब को साकेत कोर्ट में ही 10 बजे के बाद कभी भी पेश कर सकती है। आपको बता दें जहां पर खबर सामने आई कि 10 बजे के बाद कभी भी पेश कर सकती है और जहां पुलिस रिमांड कम से कम एक हफ्ते के लिए बढ़ाए जाने का आग्रह अदालत से किया जाएगा और इसके लिए बेहद अहम है कि दिल्ली पुलिस ये बताए कि आफताब के खिलाफ उनके पास अब तक क्या क्या सबूत इकट्ठा हुए हैं और ये भी बेहद अहम होगा कि पुलिस आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ क्या क्या दलील पेश करती है। रामपुर की शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है और सीट पर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना होगी और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना उर्फ हनी और सपा के आसिम राजा चर्चा दाखिल करेंगे और इसके अलावा अधिकार सेना के प्रत्याशी मोइन खान भी नामांकन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश कुमार सक्सेना हनी के नामांकन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी शामिल होंगी और इसके अलावा पार्टी पदाधिकारी, सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष, कार्यकर्ताओं शामिल होंगे और युवा बीजेपी नेता मोहित मेहत्रोत्रा ने भी बताया है कि आकाश सक्सेना नामांकन से पहले सुबह 10 बजे चुनाव कार्यालय कृष्ण विहार पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद आसिम रजा भी आज ही नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के नेतृत्व में सपा प्रत्याशी आसिम रजा जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे और आपको बता दें कि नामांकन के दौरान जिले भर के सभी कार्यकर्ता और इसके साथ ही पदाधिकारियों को सुबह 11 बजे पार्टी कार्यालय दारुल अवाम पर बुलाया गया है। पार्टी कार्यालय पर इकट्ठे होकर सभी नामांकन कराने कचहरी पहुंचेंगे। इमरान खान को तोहफे में मिली थी घड़ी, जी हाँ, और महंगी घड़ी कम दाम में खरीदी गई है और दुबई के एक कारोबारी ने दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोहफे में मिली एक बेशकीमती घड़ी $25 लाख में खरीदी है और ये घड़ी सऊदी के ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को दी थी। दुबई के इस कारोबारी का नाम उमर फारूक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि उनका दावा है कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की एक करीबी फरा खान से उनकी दुबई से मुलाकात हुई थी और दुबई में उनसे मुलाकात हुई थी और जिसके बाद से ही उन्होंने ये घड़ी खरीदी है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि पीटीआई सरकार $40 से $50 लाख में ये घड़ी बेचना चाहती थी लेकिन बातचीत के बाद मैंने ये घड़ी $20 लाख में खरीद ली। और इसके साथ ही उमर ने बताया कि फरा खान कहने पर ही नगद पैसा दिया गया और पाकिस्तान में 2018 में सत्ता में आए इमरान खान को अपने आधिकारिक विदेशी दौरों के दौरान अमीर अरब मुल्कों से महंगे तोहफे मिले थे जिन्हें तोशाखाना में जमा करा दिया गया था। और उमर ने यह भी बाद में बताया कि इन्हीं तोहफों में से एक महंगी घड़ी कम दाम पर खरीद ली। मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद भारी अंतर से कमल खिलेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि रघुराज सिंह शाक्य भारी मतों से विजयी होकर संसद में पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुलडोजर को लेकर कहा कि जो अवैध कब्जे हैं उन पर बुलडोजर चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, अराजकता गुंडागर्दी माफिया से मैनपुरी मुक्त होगा। 8 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद भारी अंतर से कमल खिलेगा। श्री रघुराज सिंह शाक्य जी जो भाजपा के उम्मीदवार हैं,
वह यहां से रिकॉर्ड वोटों से विजयी होकर के देश की संसद में पहुंचे। खबर उन्नाव से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा उन्नाव पहुंचे और जहां वो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज की कथा में शामिल हुए। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दूसरे पार्टियों पर तंज कसते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है, सिर्फ बीजेपी ही जनता की पार्टी है। उन्नाव में आज हमारे माननीय विधायक पंकज गुप्ता जी के आयोजन के अंतर्गत एक बहुत विशाल, जिसमें हजारों हजार लोग आज इस कथा का भागवत को सुनने के लिए आए हैं, उसमें आज मुझे आना था। और निश्चित रूप में जो भजन कीर्तन पूजन और कथा का श्रवण है, ये व्यक्ति को एक तरीके से सद्कर्मों पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आज उसमें मैंने आनंद लिया। आज पूरा भारतवर्ष, जैसे कि यहाँ पर हम संत का वचन सुन रहे हैं, राजनीति में भी संत के रूप में दो संत हैं, एक माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में हैं, तो दूसरे सब कुछ राष्ट्र को समर्पण करने वाले मोदी जी देश में हैं। आज सीमाएं हमारी सुरक्षित हैं, आज विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं, कोरोना से संक्रमण काल के बावजूद आज मुद्रा स्फीति की दर स्थिर है, जीडीपी हमारा बढ़ रहा है। पीलीभीत में पुलिस पर नाबालिग युवती का आरोप लगा है। दरअसल आरोप है कि पुलिस गैर समुदाय की नाबालिग युवती को बहला फुसला कर भगाने की आरोपी के घर दबिश देने गई थी और दबिश के दौरान पुलिस ने आरोपी के घर मिली उसकी बहन से पूछताछ के लिए कस्टडी में लिया और मारपीट की। वहीं आरोप दरोगा पर कार्रवाई करने की मांग पर पीड़ित युवती के पक्ष में आए हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम करके जमकर हंगामा किया। और इसी खबर पर पीलीभीत से संवाददाता प्रांजल गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रांजल, जिस तरह से नाबालिग से मारपीट का मामला सामने आया है, उसके बाद पुलिस पर भी आरोप लगाया जा रहा है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी, आपको बताना चाहिए, पूरा मामला जो है सदर कोतवाली से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि एक नाबालिग युक्ति, गैर समुदाय की एक युक्ति थी, जिसको भगाते बहला फुसलाकर भगाते ले जाने का जो आरोप था, वो उसके लड़के के ऊपर आरोप था। तो उस मामले में जो है पुलिस जो है दबिश देने के लिए जो है गई हुई थी, मुकदमा उसमें दर्ज था। तो दबिश देने जब पुलिस जाती है तो वहाँ पूछताछ के लिए उसके घर की, उसके जो आरोपी है उसकी बहन को जो है पुलिस ले आती है थाने कोतवाली। फिर दोपहर 1 बजे उसको लाया जाता है और शाम को 9 बजे उसको पूछताछ करके बाद में छोड़ दिया जाता है। भाई छोड़ने के बाद में अगले दिन जो है पूरे मामले को जो है तूल दिया जाता है। यहाँ पे हिंदू जागरण मंच के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचते हैं, सीओ सिटी के ऑफिस पहुंचते हैं और जो आरोपी, जो दरोगा है, जो ले जाने का जिसको आरोप था कि उसको लड़की को ले जाते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ बदतमीजी करते हैं, तो उस आरोपी दरोगा को जो है निलंबित करने की मांग करते हैं। इस चीज को लेकर जब उनकी मांग पूरी नहीं होती तो धरना प्रदर्शन पर आमादा हो जाते हैं। आपको बता दें कि जो है इन्होंने जो है हिंदू जागरण मंच के जो तमाम जो कार्यकर्ता थे, इन्होंने नेशनल हाईवे 730 को जो है हाईवे जाम कर दिया। लेकिन हालांकि बाद में जो है पुलिस अधिकारियों ने जो उस जो दरोगा था उसको जो है निलंबन की कार्यवाही इसमें कर दी गई है। जी जी प्रांजल, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि लोगों का विरोध प्रदर्शन भी साफ तौर पर नजर आया इस मामले को लेकर, कहीं ना कहीं जो है इसमें राजनीतिक रंग जो है इसको दिया गया है। नगर निकाय का चुनाव बेहद नजदीक है तो कहीं ना कहीं इसको नगर निकाय के चुनाव से भी जोड़ के जो है देखा जा रहा है कि इसको राजनीतिक रंग दिया गया है। हालांकि जिस तरीके मुकदमा आरोपी के खिलाफ दर्ज है, लड़का जो है गैर समुदाय की लड़की को जो है लेकर के चला जाता है, उसमें मुकदमा दर्ज है, तो कहीं ना कहीं पुलिस दबिश देने जाती है, आरोपी नहीं मिलता, तो उसके घर के जो सदस्य थे जहाँ उसकी बहन मिलती है उसको ले जाया जाता है पूछताछ के लिए। तो जाहिर सी बात है पुलिस पूछताछ के लिए ले गई, लेकिन जो तरीके जो आरोप लगाया जा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई,
तो ये तमाम जो आरोप जो है पुलिस के ऊपर लगी है, जो स्थानीय दरोगा है उसके ऊपर जो है आरोप लगाए गए हैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो उनकी जो मांग है वो मांग ये थी कि उनको जो है निलंबित किया जाए, उसको हमारे सामने पेश किया जाए, हम उसको मारेंगे पीटेंगे, या उसको जिस तरीके लड़की को जो है प्रताड़ित किया गया उस तरीके हम प्रताड़ित करेंगे, इस तरीके तमाम जो है आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं। तो हालांकि जो है काफी मशक्कत के बाद काफी देर जो है धरना प्रदर्शन जो है चलता रहा, पुलिस के खिलाफ जो है नारेबाजी चलती रही, तो देर शाम जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा उस आरोपी दरोगा को जो है निलंबित कर दिया गया है। जी जी प्रांजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरदोई के कोतवाली शहर में सकुशल रोड पर कन्हईपुरवा के पास अमृत योजना के तहत खुदी नाली में छात्र की स्कूटी फंस गई और इसी के बीच पीछे से तेज रफ्तार में आ रहा ट्रैक्टर ऊपर से चढ़ गया और जिससे छात्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और इस हादसे को देखकर लोगों ने मौके पर जाम लगा दिया और जिससे सीओ सिटी नगर मजिस्ट्रेट शहर कोतवाली मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत करवा रहे हैं। घटना सर्कुलर रोड हुई है, सर्कुलर रोड पर हुई है। आप देख रहे होंगे कि रोड आधा टूटा हुआ है। अमृत योजना में यहाँ पाइपलाइन डाला गया है और इसको ठीक कराने का दायित्व भी अमृत योजना के पदाधिकारियों का था, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको अनेकों बार जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है, मेरे स्वयं के द्वारा भी नोटिस जारी किया गया है लिखित रूप से। और मैं आज जो है एक स्कूटी लाकर के लाते हुए बच्चे का स्कूटी पलट गया है, जिसके कारण पीछे से एक ट्रैक्टर ने उसके ऊपर मतलब चढ़ गया, जिसके कारण दुर्घटना घटित। और इसी खबर पर हरदोई से संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, जिस तरह से मामला सामने आया है, हादसे के बाद वहां पर लोगों ने हंगामा कर दिया। हेलो जी आसिफ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं, हरदोई के शहर कोतवाली के सर्कल रोड का मामला है। अमृत योजना के तहत यहाँ पर नाली खोदी गई थी, वहीं से ये छात्र गुजर रहा था, उसी समय इसकी स्कूटी वहां पर फंस गई और इसी बीच तेज रफ्तार पीछे से ट्रैक्टर आ रहा था, उसने उसको टक्कर मार दी, जिससे छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। जी जी, जिस तरह से लोगों ने हंगामा किया है, क्या कुछ कहना है लोगों का आसपास? लोगों का यही कहना है कि अमृत योजना के तहत जो ये नाली खोदी गई थी, कई बार इसको लेकर प्रशासन को बताया भी गया, लेकिन प्रशासन के द्वारा उन गड्ढों को नहीं भरा गया, जिसके चलते हादसा हुआ और गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी। जी जी, और पुलिस प्रशासन का कोई इस पे बातचीत इस पे हो पाई है? जी, इसमें पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जी, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, मामला शांत करवाया गया है या अभी भी लोगों का गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है? नहीं, अब मामला पूरी तरीके शांत हो गया है और जो जिन्होंने जाम लगाया था उनको समझा बुझाकर वहां से हटा दिया गया है और कार्रवाई की बात भी कही गई है। जी जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बाराबंकी पुलिस प्रशासन ने आर्थिक भौतिक लाभ के लिए हेरा फेरी कर बिजली विभाग में उपभोक्ताओं के बिल के रुपए जो है वो बिना जमा किए ही गमन कर अपराध करने वाले गैंग लीडर की चल रही अचल संपत्ति कीमत लगभग 1,02,87,000 रुपए गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। आरोपी फतेहपुर बाराबंकी से लेखाकार के पद पर नियुक्त था और नियुक्ति के दौरान 8 नग रसीद बुकों को राजस्व रसीद निगम पंजिका में कूट रचना और हेरा फेरी कर अवैध रूप से करोड़ों रुपए का गबन कर लिया गया, जिससे उद्योग विभाग राजस्व की भारी हानि हुई है। सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज जनपद बाराबंकी में एक पावर कारपोरेशन के रिटायर्ड और बर्खास्त किए गए अकाउंटेंट के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया था, जिसमें उसके घर की आज कुर्की की गई है। भ्रष्टाचार द्वारा कमाए गए धन से निर्मित इस मकान की कीमत 1 करोड़ पाई गई और उसको 14 के तहत कुर्क कर लिया गया है।
चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर जिले में दबंग प्रधान द्वारा जबरन दरवाजे के सामने की सहन खुदवाए जाने का विरोध, पीड़ित द्वारा विरोध करना उस समय महंगा पड़ गया जब प्रधान अपने साथियों के साथ पीड़ित को गाली गलौज करने के बाद मारा पीटा और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित द्वारा बिंद की कोतवाली में ही शिकायत की गई है और कोई सुनवाई न होने पर पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो आपको बता दें फतेहपुर से खबर है जहां पर पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है, प्रधान पर मारपीट का आरोप लगा है। आपको बता दें कि पीड़ित द्वारा बिंद की ही कोतवाली में शिकायत की गई थी और कोई सुनवाई ना होने पर पीड़ित ने आज पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर अब न्याय की गुहार लगाई है। और इसी खबर पर फतेहपुर से संवाददाता बबलू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबलू सिंह, प्रधान पर मारपीट का आरोप लगा है और इसके साथ ही बुजुर्ग महिला है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। बबलू सिंह, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? जी बबलू सिंह, ये खबर सामने आई है जहां पर ये बुजुर्ग महिला पर, महिला जो है वो मारपीट का आरोप लगा रही है प्रधान पर। जी, आपको बता दूं ये महिला जो है वो प्रधान पे आरोप लगा रही है मारपीट का, कि मारपीट करके भगा दिया है। जी जी, पूरा मामला विस्तार से बताइए बबलू सिंह। जी, आवास को लेके ये गई थी प्रधान के पास में, तो वहाँ इसकी सुनवाई नहीं हुई, प्रधान ने उसको मारपीट कर भगा दिया, तो कोतवाली गई हुई है। जी जी बबलू सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि गाली गलौज करने के बाद मारपीट का मामला सामने आया, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई और पीड़ित द्वारा विद की ही कोतवाली में शिकायत जब की गई तो कोई सुनवाई ना होने पर अब पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगा रही है। फिरोजाबाद में ग्राम पंचायत सचिव की मौत के बाद शमशान घाट पर विवाहित की मां ने दामाद पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है, जिसके चलते अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर मृतका का शव 4 घंटे तक रखा रहा और अंतिम संस्कार कराने के लिए पहुंची पुलिस का भी विरोध का सामना करना पड़ा है उन्हें। और आखिर में आरोपी पक्ष की वीडियो जो है वो रिकॉर्डिंग बनाने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अब इस मामले की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। वहीं पुलिस के अनुसार दिव्या अपने पति अभिषेक के साथ मंगलवार को एका ब्लॉक जा रही थी और दोनों सिकारारी के पास ही पहुंचे और तभी अचानक दिव्या को प्यास लगी और जिसको पानी पीने के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको उपचार के लिए ले जाया गया तो उसने दम तोड़ दिया। ये मामला है कि मेरे पास तो मतलब हॉस्पिटल से फोन आया, बोले कि मम्मी अटैक पड़ गया है, तो मैंने बेटा मैं कैसे आऊं, एक मोटरसाइकिल मिल गई तो मैं पहुंची हूं तो मुझे कुछ नहीं मिला है, लड़की गर्दन नीली पड़ रही। और इसी खबर पर हमारे साथ फिरोजाबाद से संवाददाता किशन चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशन चंद्र, शमशान में मृतका के परिजनों का हंगामा साफ तौर पर देखने को मिला है, पूरा मामला विस्तार से बताइए। जी, मैं बताना चाहूंगा ये कल की बात है, जो शमशान घाट में जब दिव्या नाम की जो पंचायत सेक्रेटरी थी जो की फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र में तैनात थी, तो जब उसकी डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट लाया गया तो वहां पर जो उसकी माँ थी और उसके परिजन, मृतका के जो परिजन थे वहां एकत्रित हो गए और बड़ी संख्या में, और उन्होंने शव को जो है जलाने से पहले ही उसको हंगामा शुरू कर दिया। उनका मांग थी कि जो मृतका की जो दो बेटियां हैं और उनके नाम उसके हिस्से की संपत्ति की जाए, और उनका वहीं ये भी आरोप था, मृतका की माँ और मामा का ये भी आरोप था कि जो मृतका का पति है वो अक्सर वो शराबी है और जो है आए दिन वो उसके साथ मारपीट किया करता था, और जो कि उससे महिला जो थी मृतका की जो माँ थी उससे पेंशन भी छीन लिया करता था, आए दिन मतलब दहेज की मांग किया करता था और मारपीट किया करता था, और उसी के तहत साजिश के तहत उसकी हत्या की गई है। इस बात को लेकर जमकर हंगामा किया गया था। जी बहुत बहुत शुक्रिया किशन हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए।
श्रावस्ती में लोक निर्माण मंत्री का आज श्रावस्ती दौरा है और दोपहर 12:30 बजे जितिन प्रसाद भिनगा पहुंचेंगे और जहां लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं और जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे और साथ ही वो दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट में विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और लगभग 3:30 बजे वो विधायक रामफेरन पांडे के आवास पर मांगलिक कार्यक्रम में ही शिरकत करेंगे और PWD मंत्री के आगमन पर जागा जो है वो लोक निर्माण विभाग जाग गया है और जिसको लेकर रात भर रंगा रंग कार्यक्रम और सड़कों को साफ सफाई होती दिखाई दी है। और इसी खबर पर श्रावस्ती से सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्य प्रकाश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि लोक निर्माण मंत्री का श्रावस्ती दौरा है आज। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद श्रावस्ती दौरे पे आ रहे हैं जो 12:30 बजे के आसपास भवन लोक निर्माण विभाग भिनगा में पहुंचेंगे और इसके बाद माननीय मंत्री जी स्थानीय जनप्रतिनिधि भाजपा नेताओं के साथ बैठक करेंगे और संगठन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता भी करेंगे। इसके बाद 1 बजे निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग निकलकर वो कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचेंगे जहां जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे तथा 3:30 बजे के आसपास तो यहाँ के श्रावस्ती के विधायक रामफेरन पांडे जी के निवास स्थान पर एक मांगलिक कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। इसके बाद मंत्री जी लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। जी सूर्य प्रकाश, जिस तरह से खबर सामने आ रही है कि उनके दौरे से पहले रात को ही सड़कें साफ की जा रही है। जी, सबसे अहम बात यही है कि जो लोक निर्माण विभाग है वो अचानक दौरे के बाद वो जागा है। अभी तक वो कुंभकर्णी मिंद्रा में सोए हुए थे, अब जागे हैं तो अचानक रात में भी जो उनके आवागमन के जो रास्ते जिन रास्तों से उनका आवागमन होगा वो रास्तों की साफ सफाई की काम बहुत तेजी से चल रहा है और तमाम सारी व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ करने की कवायद बहुत तेजी से की जा रही है लोक निर्माण विभाग की तरफ से। अभी तक लोक निर्माण विभाग कुंभकर्णी हुआ था लेकिन अचानक दौरे के लोक निर्माण मंत्री के दौरे के बाद लोक निर्माण विभाग ने जगह हुआ है और लगातार स्थलीय निरीक्षण कर और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। जी सूर्य प्रकाश जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। श्रावस्ती में मिलावट के विरुद्ध आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। आबकारी आयुक्त के आदेश पर पटना खोरा देशी शराब दुकान का निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण में देशी शराब की दुकान में भारी मात्रा में मिलावटी शराब बरामद हुई है और मिलावटी शराब मिलने पर देशी शराब की दुकान सीज कर दी गई है। आपको बता दें कि दुकान के मुनीम सुभाष गोस्वामी को जेल भेजा गया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। और इसी खबर पर सूर्य प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्य प्रकाश, जैसे खबर सामने आई है आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई की गई है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश महोदय के आदेशानुसार हुआ है। आयुक्त आबकारी आयुक्त EIV एवं उप आबकारी आयुक्त देवगढ़ मंडल के निर्देशन व पर्यवेक्षण में आबकारी निरीक्षक संग्राम सिंह और मोहम्मद असलम आबकारी निरीक्षक प्रवर्तन 2 देवपाटन मंडल की संयुक्त टीम द्वारा पटना खरगोरा के देशी सड़क का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कैंटीन से पानी के कैंपर में भरे 4 लीटर के साथ 6 पेटियों में बिना ढक्कन लगी कुल 270 क्वार्टर पौधे अमिश्रित शराब बरामद किए गए। दुकान से उपस्थित जो वहाँ के सुभाष गोस्वामी और रमेश गोस्वामी थे वो गोसाईपुरवा के रहने वाले, लला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और वहाँ के जो मालिक टोमेशन भारती, ये इन दोनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और इनके सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक वहाँ के जो मुनीम थे जैसे शराब के ठिकोट को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जेल भेजा गया है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हाथरस CHC पर तैनात एक स्वास्थ्य कर्मचारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि एक बंद हॉस्पिटल की सील को खुलवाने के नाम पर स्वास्थ्य कर्मी ने रिश्वत ली है। रिश्वत लेते हुए स्वास्थ्य कर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आरोप है कि स्वास्थ्य कर्मी हॉस्पिटल की सील खुलवाने के लिए अधिकारियों के नाम पर मोटी रकम मांगी गई थी और
सीएमओ ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ जांच बिठाई है, जिसको लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी तत्काल तबादला भी कर दिया गया है। और इसी खबर पर हाथरस से संवाददाता दीपेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेश, जिस तरह से मामला सामने आया है कि वायरल हो रहा है वीडियो और सोशल मीडिया पर जो जमकर वायरल किया जा रहा है ये वीडियो। सुमन, मैं आपको बता दूं, सिकंदराव कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पीएससी के तैनात एक स्वास्थ्य कर्मी ने एक हॉस्पिटल बंद है जिसके नाम पर पैसे लिए हैं, उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। वायरल वीडियो के आधार पर वही हाथरस सीएम ने उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच भी बैठा दी और उसका तबादला भी किया है। सुमन जी, दीपेश, कुछ पता चल पाया है किस विषय पर ये जो रिश्वत ली जा रही थी और इस पे आरोपी जो है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? सुमन, मैं आपको बता दूं, सिकंदरा राव में एक हॉस्पिटल सीज किया गया था अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा, उसी को खुलवाने के लिए इस देवाली बाबू ने जो स्वास्थ्य कर्मी थी इसी पर इसने रिश्वत ली है और उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वायरल वीडियो के आधार पर तत्काल प्रभाव से सीएमओ हाथरस ने उसके खिलाफ जांच बिठाई, जांच बिठाने के बाद में उसका तबादला भी किया गया है। जी दीपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि स्वास्थ्य कर्मचारी पर रिश्वत का आरोप लगा है और इसके साथ ही अब जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और आपको ये भी बता दें कि जो हॉस्पिटल है वो बंद और सील था और जिसको खुलवाने के लिए स्वास्थ्य कर्मी है उसने रिश्वत ली और रिश्वत लेते हुए स्वास्थ्य कर्मी का जो वीडियो था अब वो वायरल हो गया है, जिसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। आपको बता दें कि मोटी रकम ली गई थी और जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मचारी को तत्काल तबादला भी कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।